इनका वजन हो रहा है देखिए कंप्यूटर से, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे खड़े हैं। आप 52 किलो हैं, 52 किलो हैं, 52 किलो हैं। आप सदा खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, आपको फूलों से प्यार है। नमस्कार। नमस्कार। आप 75 किलो हैं, 75 किलो हैं, 75 किलो हैं। अपने परिवार का दुख दूर करने के लिए आप मेहनत करते हैं। नमस्कार। देखिए ये हैं पप्पू मिस्त्री, यही हमको लेके आए हैं यहाँ पे त्रिकुट पर्वत। देखिए अभी तक हम यहाँ पे बोलबम तो आए थे, बासुकीनाथ आए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन इनके माध्यम से समझिए हमको घुमा दिए यहाँ पे। हालांकि लेट हो गया है बासुकीनाथ आने से, तो समझिए लेट तो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम रास्ता तो दिखा दिए और बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, पहाड़ है तो पत्थरे रहेगा, दूसरा क्या रहेगा। सही बात। तो देखिए और यहाँ पे देखिए अब अभी कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन जाने वाले की संख्या पता नहीं, उधर अंधेरे में कहाँ जाएंगे। लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है ना, तो मान लीजिए रात में जाना ठीक नहीं है। अब फिर यहाँ पे चारों तरफ देखिए, इसके बगले में है पप्पू मिस्त्री बता रहे थे कि ये जो पहाड़ वाला पहाड़ जो देख रहे हैं ना बड़ा वाला, इसी के नीचे उस साइड में रोपवे। अच्छा रोपवे नाम उसका, लिफ्ट ना, लिफ्ट नहीं इसको रोपवे बोलते हैं। अच्छा उसको रोपवे बोलते हैं जो पहाड़ पर। अच्छा ये जो पहाड़ पे जो बना है ना, जो ऊपर चढ़ने वाला एकदम डायरेक्ट आदमी ऊपर चढ़ा जाएगा, मतलब ऊपर नहीं चला जाएगा मतलब पहाड़ पे चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऊपर का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, मतलब पहाड़ पे चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग एकदम मतलब कोई भी वहाँ पे ऊपर जाएगा, वहाँ पर ऊपर भी मंदिर वंदिर बहुत है। यहाँ पे हर स्टेप पे मंदिर है, थोड़ा सा जब हाइट करेंगे ना 10 फीट जो चढ़ेंगे 10 फीट वहाँ पे एक मंदिर है, बहुत सारा पूरा समझिए एक त्रिकुट पर्वत है, यहाँ पे मंदिरों का खान है, समझिए हर देवी देवताओं का मंदिर है यहाँ पे, छोटा हो बड़ा हो। और पर्यटक यहाँ पे आते हैं और आप देख लीजिए पीछे देख लीजिए, अभी भी पर्यटक उसमें चढ़ रहे हैं, कुछ लोग उतर रहे हैं, लेकिन अब अंधेरा भी हो रहा है। देखिए सावन का शुरुआत है, लास्ट तक बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। हाँ यानी यहाँ पे सुबह आदमी आए मतलब 10-11 बजे। हाँ नहीं दोपहर के बाद 2-3 बजे ये कि गर्मी का एहसास ना हो, यहाँ पे पहाड़ है लेकिन गर्मी का एहसास नहीं है, छाया है ना, पूरा चारों तरफ छाया, पेड़ पौधा समझिए पेड़ बना। अब इतना बड़ा पहाड़ है, इस पर भी पेड़ पौधा एकदम हरा भरा, बहुत बड़ा बड़ा विशाल पेड़ है समझिए। और कैसे टीका होगा समझिए, ये सब भगवान की माया है। देखिए इतना बड़ा बड़ा है और लग रहा है कि अभी डगर जाएगा, अभी ढकेल अभी नीचे आ जाएगा, लेकिन भाई एक पे एक करके रुका हुआ है। और पप्पू मिस्त्री चलिए बहुत अच्छा काम कर दिए, कम से कम हमको घुमा दिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आए हैं इसी रूट से तो आना है, इसी रूट से जाना है, लेकिन अब हम यहाँ पे कभी नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ देख लिए पास से, दूर से तो दिखाई देता है लेकिन पास से, आइए चलते हैं कहाँ वहाँ तक। चलिए चलिए एक, अच्छा चलिए एक स्टेप और चलने चल रहे हैं। देखिए पप्पू मिस्त्री बता रहे हैं यहाँ पे एक जो पहाड़ पे ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ पे एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी, है ना, 15-17 साल पहले हम लोग आए थे तब। अच्छा तब आए थे तो अब बहुत बूढ़े हो गए, नहीं तब नहीं होंगे, गुजर गए। यहाँ देखिए यहाँ पहाड़ और पास में दिख रहा है, ये देखिए अरे भले बहुत ही विशाल विशाल पहाड़ है। अंधेरा भी हो गया है, देखिए आप लोग ये मत कहिएगा कि वीडियो को काला कर दिए, बंदर भी बहुत सारे हैं और अंधेरा भी हो गया है चूँकि रात हो गया है, रात होने वाला है, लगभग शाम हो गया है और सब लोग पर्यटक यहाँ से उतर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। पप्पू मिस्त्री बहुत बहुत आपका धन्यवाद, घुमा दिए। एक पप्पू भाई हैं, एक पप्पू मिस्त्री है। कल और मिलेंगे और पहाड़ों का, देखिए कल हम लोग का रूट रहेगा नेक्स्ट वीडियो। हाँ तपोवन और राजगीर, तपोवन और राजगीर, पहले तपोवन पड़ेगा फिर राजगीर पड़ेगा, यही से नज़दीक में है। अच्छा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वहाँ का दर्शन कराएंगे, समय मिल गया, क्योंकि अब दोनों जगह का तो जल हो गया है, बाबा धाम बासुकीनाथ और बस दार्शनिक स्थान है, जैसे ये त्रिकुट पर्वत है, इसको आज घूम लिए, रिव्यू आप लोगों को दिखाई दिए, और कल क्या है तपोवन और राजगीर दोनों चीज़ का दर्शन कराएंगे और बढ़िया से उसका विख्यात मतलब विशेष रूप से उसके बारे में हम लोग बताएंगे।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, इसके बीच में एक छोटा सा जगह बना हुआ है, काली जी का मंदिर है शायद, देख लीजिए भाई। इनका वजन हो रहा है देखिए कंप्यूटर से, ये देखिए। और देखिए यहाँ पे खड़े हैं, आप 52 किलो हैं, आप सदा खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, आपको फूलों से प्यार है, नमस्कार। नमस्कार, आप 75 किलो हैं। अपने परिवार का दुख दूर करने के लिए आप मेहनत करते हैं, नमस्कार।